तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में सीखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि हमारा जो स्टूडेंट रिपोर्ट होता है किस तरह से होता है। यहाँ पर बेसिकली मैंने ये भी सिखाया था कि हमारा रिपोर्ट होता है किस तरह से हमें डिज़ाइन करना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में और भी आपको ये मैं सिखाने वाला हूँ जो बेसिक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग हमारे रिसेंटली अभी अलग अलग यहाँ पर हमें बता रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल रिपोर्ट वगैरह जो है ये आप अपने तरीके से भी सेलेक्ट कर सकती हो। तो यहाँ पर लेटर वगैरह होता है, रिपोर्ट होता है, यहाँ पर कुछ रिज्यूम क्रिएट करना था, रिज्यूम भी आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बता देते हैं रिज्यूम कैसे बनाना है यहाँ पर, तो मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो आज से जो हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट कुछ टॉपिक्स के बारे में जो ऑफिशियल लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको बताना जाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे कुछ 15 वीडियो मैंने 15 वीडियो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बताए थे, उन वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ समझाया था, इंसर्ट के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, लेआउट के बारे में, रेफरेंस के बारे में, मेलिंग्स के बारे में, रिव्यूज़ वगैरह, यहाँ पर व्यूज, बहुत कुछ मैंने सबको समझा दिया था। लेकिन आज हम कम्प्लीटली एग्जिट हम सीखने वाले हैं और एक चीज़ जो हम कहते हैं इसको टेबल, और टेबल के साथ हम और भी एडवांस में कुछ सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या हम सीखना है हमें, तो पहले हमें ये इमेजिन या तो फिर हमें ये चीज़ चाहिए जैसे कि टेबल है यहाँ पर। ओके, तो टेबल किस तरह से हम एंटर करते हैं, टेबल का कौन कौन सा यहाँ पर फंक्शंस वगैरह है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमें टेबल यूज करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल इकोनॉमी एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल। ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई ऐसा आपका रिपोर्ट लिख रहे हो जिसके अंदर आपने पैराग्राफ एंटर किया है। ओके, पैराग्राफ एंटर तो किया है, जैसे कि मैंने बता देता हूँ यहाँ पर कि मैं कोई भी रेडीमेड पैराग्राफ ले लेता हूँ, कोई भी एक फाइल वगैरह, जैसे कि मैं ये फाइल वगैरह लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कुछ और एडवांस आप सीख सके। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई चीज़ कंप्लीट बना दे हो, लेकिन आप उसका कुछ अच्छी तरह से ट्रिक जो उसका जो होता है उसका फ़ायदा नहीं उठाते, या फिर यूँ कहो कि आपको कम्प्लीटली उसके बारे में पता नहीं होता। तो ऐसे में आपको पावरफुल, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको और अच्छी तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आए, इसके लिए ये टेबल का मैंने ये लेकर आया हूँ यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल। तभी तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब नया मैंने पेज ले लिया है, और अगर आप चाहो तो नई फाइल तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके भी फाइल ले सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ यहाँ पर, देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू फाइल है, इसमें यहाँ पर लिखा है कि डॉक्यूमेंट 2 वगैरह यहाँ पर लिखा है, डॉक्यूमेंट 1। तो नई फाइल ली है आपने तो नई फाइल का कोई नाम नहीं आएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट करके लिख कर आएगा, और आप जब सेव करोगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा जो आपने नाम दोगे। जैसे कि मैंने ये सेव करना चाहता हूँ सेव इस पर, तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 यूज़ करते हो, विंडोज 7 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 2007 भी यूज़ करते, तो अभी उसी तरह का प्रोसेस है। यहाँ पर सेव इस पर क्लिक करना है, और जो भी आपको नेम देना है दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल और रिपोर्ट वगैरह, टेबल रिपोर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ।
ओके तो ये दे सकते हो कि यहाँ पर टेबल रिपोर्ट करके यहाँ पर एक नेम आ चुका है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर टेबल के लिखने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इंसर्ट के अंदर टेबल तो होता है लेकिन उसके अंदर रो किसे कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं। तो इससे पहले पैराग्राफ हम एंटर कर लेते, पैराग्राफ के अंदर कुछ सीखा देता हूँ आपको क्या उस चीज़ों। तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ किसी का मैंने किसी फाइल का मैंने कॉपी किया है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको कम्प्लीटली पेस्ट कर देना है। ओके तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पेस्ट यहाँ से भी राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप कंट्रोल वी करके भी आप पैराग्राफ। तो अभी आप देख सकते हो कि छोटा सा यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर उसका साइज है, पैराग्राफ ऐड किया है यहाँ पर। ओके इसको कम्प्लीटली पैराग्राफ में लेकर आते हैं हम, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है। अगर आप पैराग्राफ ऐड करते हो तो अच्छी तरह से आप पैराग्राफ राइट करो जिससे कि लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ राइट कर रहे हैं उसको मैंने। ओके अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ का कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर हो, तो मैं इसी के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। ओके ये पैराग्राफ है और उसका देख सकते हो कि मैं पेस देकर थोड़ा सा उस वर्ड के पीछे स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो भी कंप्लीट दिखाई दे। तो ये पैराग्राफ हो गया यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ एंटर कर दिया है यहाँ पर। ओके तो ये छोटा सा मैंने पैराग्राफ एंटर किया है। ओके अगर आप चाहते हो कि आप पैराग्राफ और अच्छी तरह से आप एंटर कर सको, तो मैंने बताया हुआ है किस तरह से पैराग्राफ करना होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बताता हूँ पैराग्राफ। देख सकते हो कि ये पैराग्राफ एंटर हो चुका है यहाँ पर। अब उस पैराग्राफ के अंदर आप चाहते हो कि कितना आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर कि पहले तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेव कर सकता हूँ यहाँ पर, देख सकते हो रही फाइल पर क्लिक करके यहाँ से भी मैं सेव कर सकता हूँ। ओके तो मैं इस तरह से आपके दो टाइप के आप सेव कर सकते हो। तीसरा जो है एकदम ईजी है, कंट्रोल दबाकर एस बटन दोनों साथ में दबाना है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर दोनों साथ में दबाने से आपकी फाइल सेव हो जाती है यहाँ पर। ओके देख सकते हो कि यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का ये जो पोर्शन लेफ्ट साइड जो है ये, और यहाँ पर जो हेडर होता है हमारा, देख सकते हो कि हेडर लिखा हुआ है यहाँ पर, डबल क्लिक करोगे तो ये हेडर होता है। तो हेडर का मतलब क्या होता है कि हेडलाइंस देते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर, और जो रूलर होता है तो रूलर कैसे बताते हैं हम कि व्यू पर क्लिक करना है और ये रूलर आ जाता है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर रूलर का क्या काम होता है कि हमारे पेज की एक्चुअल कितने इंच के अंदर होती है यहाँ पर, इसलिए रूलर बना जाता है यहाँ पर, देख सकते हो। क्योंकि हमारा जो पेज होता है, लेटर पेज होता है, वो हमारा 8 इंच बाय यहाँ पर 12 होता है यहाँ पर, या तो फिर कई जगह पर 8 बाय 10 होता है, मतलब 8 इंच की चौड़ाई जो होती है यहाँ पर, और उसकी जो लंबाई होती है मतलब उसकी हाइट जो होती है वो 10 इंच की होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर 10 इंच का यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 8, 9 और 10। तो इसमें क्या होता है कि 1 इंच का जो होता है वो हेडर होता है यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरा जो होता है लास्ट में होता है फूटर। ओके तो हेडर फूटर में बता रहा हूँ यहाँ पर आप। ओके तो पहले मुझे लेटर लिखना है, मुझे हेडर नहीं चाहिए, तो मैं इस तरह से हेडर को कम कर दूंगा। ओके इस तरह से मैं सेट कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा जो ये लाइन जो है ये शुरुआत से यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे, और ये जो है सिस्टम है, तो इस तरह से आपको एरो पर ध्यान रखना है कि एरो किस तरह से होता है यहाँ पर, इस तरह से एरो हो जाएगा तो आपका ओके। फिर यहाँ पर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। ओके अपने अपने तरीके से आप सेटअप कर सकते हो, तो ये एग्जैक्टली आपका बहुत ही अच्छा पैराग्राफ वगैरह एंटर कर सकते हो। देख सकते हो कि मेरा ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसकी हेडिंग एंटर करनी है, तो मैंने हेडर की हटाया क्योंकि मुझे हेडिंग का नहीं मुझे यूज करना है, तो मैं मीडिया रिफ्रेश करके ये पे कुछ में डाल देता हूँ, टैब बटन दबाऊंगा। ओके और मैं मिडल पर लेकर आया हूँ यहाँ पर, या तो फिर इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर, इसका जितना भी आगे का स्पेस है वो, और स्पेस को छोड़कर मैं इसको बोल्ड करूँगा, मैं इसको बढ़ाऊँगा इसकी साइज को, इसको कलर करूँगा, और इसको मैं 20 mm यहाँ पर, ये जो होता है सेंटर का होता है, देख सकते हो 20 mm आ चुका है यहाँ पर। ओके
साथ ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो पहला जो अक्षर है वर्ड का वो पहला अक्षर हो जाए, तो कैपिटलाइज वर्ड्स। ओके, तो मीडिया रिफर्स करके मैंने कोई यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल वगैरह जो होती है, टेबल क्या होती है कि मान लो कि मीडिया रिफर्स का कोई मैंने कोई एंटर किया डेटा, तो टेबल में दो चीज़ें होती है, रो होती है कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रो है जो यहाँ पर रो कहते हैं, और ये जो है कॉलम होता है। देख सकते हो कि बीच में एक लाइन आ चुकी है। फिर से बताता हूँ यहाँ पर कि ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। तभी कितने कॉलम हुए, दो कॉलम हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि मैं दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच। ओके, ये पाँच रो हो गई, लेकिन मुझे कॉलम भी चाहिए, तो मैं कॉलम भी एंटर कर सकता हूँ। तो देख सकते हो कि ये एक एक साइड का कॉलम हो गया और ये दूसरे साइड का कॉलम हो गया। ये जो ओके, ये जो सीधी लाइन होती है उसे कहते हैं रो, और यहाँ पर जो कॉलम होता है वो सीधी सीधी लाइन में और ये आड़ी लाइन में ये होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने टेबल तो एंटर कर लिया। अब टेबल के अंदर क्या लिखना चाहते हो, तो हम यहाँ पर मीडिया रिफर्स के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पर। तो मीडिया रिफर्स लिख रहे हैं यहाँ पर, मीडिया का नेम वगैरह यहाँ पर कोई भी है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट चीज़ के काम करते हो, मैं मीडिया नेम लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, मीडिया नेम, और मीडिया नेम लिखा है, तो मीडिया नेम यहाँ पर क्या है यहाँ पर, तो मीडिया नेम का उसका TRP वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो TRP क्या होता है कि जो हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं यहाँ पर, तो उनके TRP पर ही उनका जो होता है काम होता है यहाँ पर। जिसकी अच्छी TRP होती है उसी का ज़्यादा न्यूज़ वगैरह होता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर मीडिया नेम ऐसा लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते कि इसको मैं सेंटर में इस तरह से लेकर रहूँगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर मीडिया का नेम, उसका TRP कितने परसेंटेज का, मैं इस तरह से बताता हूँ यहाँ पर। ओके, तो टेबल का काम ये होता है कि जितना हो सके अच्छी तरह से वो क्या कर सके, अपने सिस्टम को और अच्छी तरह से सेटअप कर सकते। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बड़ा करना, छोटा करना, इसका यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर। ओके, इस तरह से मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने एंटर कर लिया यहाँ पर। ओके, और मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर इसको और नीचे लाने का। ओके, ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मीडिया नेम वगैरह जो होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कोई भी XYZ मीडिया का नेम लिख लिया यहाँ पर। ओके, फिर इसकी जगह में इसका कितना परसेंट का TRP है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 54 करके यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, कोई भी यहाँ पर आप डेटा डाल सकते हो यहाँ पर। ओके, 54। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि NKT करके उसका TRP यहाँ पर देख सकती हो कि 6% वगैरह। फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि VVS न्यूज़ चैनल है, उसका TRP मैं ले लेता हूँ 30। ओके, और यहाँ पर उसका परसेंटेज में डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, और बच जाता है यहाँ पर 20। तो कोई भी ओके, मैं यहाँ पर ये परसेंटेज वगैरह आपको बताता हूँ। तो ये डेटा हमने एंटर तो कर लिया, लेकिन इसको बीच में दिखाने के लिए सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। इस तरह से आपको साइट पर यहाँ पर आपको ड्रैग करना है, और यहाँ पर इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं सबको कैपिटलाइज करता हूँ यहाँ पर। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करके ले लेता हूँ, उनके अक्षर को बढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो टेबल भी अपने आप एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर। कोई इनको बीच में देखना चाहते हो तो बीच में भी देखा सकता हूँ। सेलेक्ट है टेबल, उसके साथ ही उसके उनका जो डिज़ाइन वगैरह, उसका कलर वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो टेबल हमने एंटर कर लिया। आप चाहे तो जितने भी टेबल एंटर करना, जितने भी रो एंटर करने हैं आप कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। ओके, देख सकते हो टेबल के अंदर भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मीडिया नेम तो एंटर कर लिया, TRP भी वगैरह हमने एंटर कर लिया। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट का नेम इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर। तो समझाने का मतलब ये कि टेबल किस तरह से हमें मैनेज करना होता है। टेबल पर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो यहाँ पर जैसे तो जैसे यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करके टेबल आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, तो हेडर रो होता है यहाँ पर। हेडर रो इसके कहते हैं यहाँ पर, इसको हेडर रो कहते हैं यहाँ पर इसको। ओके, और यहाँ पर टोटल रो कितनी है, लास्ट कॉलम कितने हैं, बेंडेड कॉलम कितने हैं, ये लास्ट कॉलम वगैरह जो भी होता है वो बताता है यहाँ पर। ओके, तो हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे टेबल की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन आपको
रेडीमेड मिल जाती है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे अलग टेबल्स मिलेंगे आपको, उसकी डिज़ाइन के अनुसार आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी अच्छे से डिज़ाइन। ओके, अगर आप चाहते हो तो अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा यहाँ पर। अभी जैसे देखिए कि मैंने टेबल अच्छा लगाया यहाँ पर, थोड़ा सा ये इसको डार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, तो उससे भी अच्छा कोई टेबल है। ओके, तो मैं इसको और अच्छी तरह से एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, लेकिन हम इसकी शेडिंग की बात करते हैं। शेडिंग क्या होती है? जो हमने सेलेक्ट किया है उसको शेडिंग कहते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर बैकग्राउंड साइड में इसको शेडिंग कहते हैं यहाँ पर। इसका भी कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसका चेंज करना है। अब मैं बताता हूँ अपनी तरीके से टेबल सेट करता हूँ यहाँ पर। ओके, आप अपने तरीके से भी सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसको मुझे येलो करना है, येलो कर सकता हूँ यहाँ पर। फिर मैं इसको यहाँ पर और भी कुछ, इन दोनों को मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मीडिया नेम वगैरह हो गया, और मैं यहाँ पे इसको और अच्छी तरह से डिज़ाइन पर लेकर मैं और सेटअप करता हूँ यहाँ पर। ओके ओके, ये इस तरह से सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर कलर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कलर वगैरह। ओके, सेटअप कर सकते हैं। ओके, बॉर्डर की कलर वगैरह आप देख सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर की कलर वगैरह आप सेटअप कर सकते हो। तो ये वगैरह आप जो बॉर्डर वगैरह आप सेटअप कर सकते हो। ओके, बॉर्डर सैंपल्स वगैरह आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, इस तरह से। ओके, ये टेबल हो गया। आप चाहते हो कि इसको और अच्छी तरह से आपको बताना है, आपको और अच्छी तरह से सेटअप करना है, तो बॉर्डर पर यहाँ पर एक पेंटर होता है यहाँ पर पेंट करके, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। तो इसका लेआउट वगैरह जो है यहाँ पर, ये दूसरा है यहाँ पर ऑटोफिल वगैरह। तो यहाँ पर शेडिंग मैंने बता दी यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। और भी बहुत कुछ आपको, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये मॉडिफाई का एक टेबल है यहाँ पर, एक विंडो है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेम है यहाँ पर। ओके, टेबल जो है नॉर्मल बता रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर और भी अच्छी तरह से आपको देख सकते हो कि यहाँ पर डे, यहाँ पर जनवरी फेब्रुआरी मार्च टोटल वगैरह, तो ये भी आप इंटर कर सकते हो टेबल वगैरह। तो मुझे तो सिर्फ नॉर्मल ही चाहिए, जो नॉर्मल था। ओके, तो टेबल लिस्ट 8 वगैरह जो है यहाँ पर इस तरह से सेटअप कर सकते हो। तो मॉडिफाई करना है तो आपको मॉडिफाई यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाई टेबल पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर इस तरह से कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह भी चेंज आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसको रेड में डालना है यहाँ पर उसके कलर्स को, और फिर यहाँ पर उसकी कुछ देख सकते हो कि कुछ लाइंस को, इसके बैक साइड को मुझे येलो करना है तो येलो भी कर सकता हूँ। ओके, करूँगा, तो देख सकते हो कि वो भी आ चुका है यहाँ पर। अब मैं उस टेबल को सेलेक्ट करूँगा और उस डिज़ाइन पर ओपन क्लिक करूँगा तो वो भी उसी तरह से आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हो गया। किस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने टेबल को। ओके, तो आपको पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे। तो मैंने ये आपको टेबल पैराग्राफ वगैरह समझा दिया है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि और भी आपको सीखने को मिले, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीजन होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आप नए कंप्यूटर में हैं, तब म्यूजिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूजर हो तो नए कंप्यूटर के यूजर के अंदर आपको ये पहली ये वीडियो देखिए,
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूजर्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज होने वाला होता है इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देखते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है यहाँ पर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।